शुभ मंगल सावधान पार्ट टू। मौसी के समझाने पर नव्या एक बार रुक जाती है, लेकिन बच्ची की वजह से कौशल और नव्या के रिश्ते में काफी दरार आ गई थी। नव्या की सास यानी कि कौशल की माँ भी बात बात पर नव्या को ताने सुना देती थी। कुछ दिनों के बाद मौसी जी अपने घर वापस चली गई। और फिर एक दिन शाम के वक्त, कौशल बेटा, अब तो 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चा होने की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऊपर से तुम्हारे और बहू के बीच में ये रोज रोज की नोक झोंक, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। मैं खुद परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। कौशल, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और अब तो हम डॉक्टर से भी चेकअप करवा चुके हैं। तुम्हारे और मेरे दोनों में से किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं, शायद भगवान की यही मर्जी है। हाँ, अब तो यही कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी है। भगवान भी तो कई बार गलत जोड़े बनाकर भेज देता है ना। मेरे ही बेटे की जिंदगी खराब होनी थी। मम्मी, अब फिर से मुझे दोष देने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या करूँ, मेरा तो दादी बनने का सपना अधूरा ही रह गया ना। सोचा करती थी मेरे कौशल के 2-3 बच्चे होंगे, सबको खिलाऊंगी, मेरा आंगन नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारी से गूंजेगा, लेकिन मेरा आंगन तो सूना का सूना ही रह गया। इसी तरह 2-3 साल और बीत गए। कौशल के चचेरे भाई आनंद के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, और कौशल के चाचा ने ये बात बताने के लिए कौशल के घर फोन किया। अरे कौशल बेटा, खुशखबरी तुम्हें सुनानी थी, आनंद के जुड़वा बेटे हुए हैं। अब देखो, आनंद की शादी तुम्हारी शादी के 2 साल बाद हुई थी, लेकिन एक साथ 2-2 बच्चे हमारे घर आ गए। हम तो बहुत खुश हैं बेटा। बहुत बहुत बधाई हो चाचा जी, आनंद को भी मेरी तरफ से बधाई देना, मैं उसके बारे में सुनकर बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ तुम कब खुशखबरी सुना रहे हो भाई? 3-4 साल से ज़्यादा हो गया है तुम्हारी शादी को, तुम्हारी तो लव मैरिज है ना, अब तक तो 2-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। क्या इरादा है, बहू की नौकरी लग गई है क्या? नहीं चाचा जी, उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है, वो घर में ही रहती है। अरे तो फिर बच्चा पैदा करने में इतने साल क्यों लगा दिए? तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि हमारा कौशल जल्द ही खुशखबरी सुना देगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है चाचा जी, बस जल्दी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो बेटो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बधाई हो, हाँ आप दादा बन गए ना। कौशल फोन तो रख देता है, लेकिन उसका मूड एकदम से खराब हो जाता है और उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। माँ, आपको पता है चाचा जी मुझे फोन करके 10 बातें सुना रहे थे, आनंद के 2 जुड़वा बेटे क्या हो गए, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। देख बेटा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये मामला ही ऐसा है, नव्या से कुछ कहो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? नव्या मुझे पसंद है माँ, लेकिन इस बच्ची की वजह से मेरी और उसकी इतनी लड़ाई होने लगी है कि बस पूछिए मत। जानती हूँ, तुम दोनों तो तलाक लेने वाले थे। देखो बेटा, मुझे बच्चे की चाहत है, लेकिन तुम्हारा और नव्या का तलाक हो मैं ऐसा भी नहीं चाहती। मैं गुस्से में बहुत कुछ कह चुकी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लगता है। तो आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? आप कहें तो मैं बच्चा गोद लेकर आ जाता हूँ। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों का ही बच्चा इस घर में पैदा हो। तुम्हारी मौसी ने तो दवाई भी ला कर दी थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैं उससे ही फोन करके पूछती हूँ, शायद वो कोई उपाय बता दे। कैसी हो दीदी? दीदी, अब आप ही कुछ बताओ ना, कौशल और नव्या का बच्चा अभी तक इस दुनिया में नहीं आया, आपने तो दवाई भी बताई थी। देखो, एक आश्रम है, तुम कौशल और नव्या को 4-5 दिन के लिए वहाँ पर भेज दो। आश्रम का मतलब ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी पति पत्नी जाकर रुक सकते हैं और आराम से शांति से रह सकते हैं, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन दोनों के बीच तो आजकल बहुत झगड़े होते हैं दीदी, वो भला वहाँ पर रुकने को क्यों जाएंगे? देखो, जब वो घर से निकले ना
तो तुम उन्हें ये बात समझा देना कि वहां जाकर उनको झगड़ा नहीं करना है, पहले की तरह प्यार से रहना है। अब अगर वो अपना बच्चा चाहते हैं तो इसका यही एक तरीका है, क्योंकि उस आश्रम की यही खास बात है कि अगर वहां पर आने के बाद भी पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो फिर उन्हें कभी संतान नहीं होती। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई दीदी, मैं आज ही कौशल से कहती हूँ और नव्या और कौशल को वहां पर भेज देती हूँ। शाम के वक्त कौशल की माँ कौशल और नव्या को अपने पास बुलाती है और उस आश्रम के बारे में बताती है। ठीक है माँ, मैं नव्या के साथ वहाँ जाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इस तरह का कोई उपाय नहीं करूँगा। मैं भी इस मामले से बहुत परेशान हो चुकी हूँ मम्मी जी, आपके कहने पर वहाँ जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद किसी भी बाबा या किसी भी आश्रम का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी किस्मत में बच्चा है ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो अब जैसा मौसी जी ने बताया है उस बात का ध्यान रखना, वहाँ जाकर तुम दोनों को आपस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, वरना जिंदगी भर हम बच्चे के सुख से वंचित रह जाएंगे। अपनी सास की बात मानकर नव्या कौशल के साथ उस आश्रम की तरफ चली जाती है। नव्या और कौशल उस आश्रम में कुछ दिन रहते हैं। 2-3 दिन के बाद उस आश्रम के शांत माहौल में कौशल और नव्या का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ दोबारा पहले की तरह प्यार से रहने लगते हैं। 1 सप्ताह वहां बिताने के बाद वो लौट कर घर आते हैं। नव्या, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की दाल मखनी नहीं खाई, आज प्लीज बना दो ना। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं कहा, आप पहले कहते हैं तो मैं कब का बना देती। क्या नव्या, इतने दिन से याद नहीं आया और आज बहुत मन कर रहा है। ठीक है आज जब आप ऑफिस से लौट कर आएंगे ना तो आपकी फेवरेट दाल मखनी और लच्छा पराठा दोनों तैयार रखूंगी। थैंक यू सो मच, अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कौशल के जाने के बाद माँ मन ही मन सोचती है, बच्चे का तो पता नहीं लेकिन जब से ये दोनों आश्रम से लौट कर आए हैं खुश खुश नजर आते हैं, भगवान सब कुछ ठीक करना। मैंने भी अपनी बहू को पता नहीं क्या क्या सुना दिया था, उस बात के लिए मुझे माफ कर देना प्रभु। अब फिर से कौशल और नव्या एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे और ये देखकर कौशल की माँ भी अब नव्या को प्यार करने लगी थी। वो उसे डांटती भी नहीं थी और बच्चे के लिए ताना भी नहीं देती थी। 1 महीने के बाद एक दिन अचानक सुबह के वक्त, कौशल मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहा है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्या बात है नव्या, लगता है तुमने रात को ठीक से खाना नहीं खाया। पता नहीं कौशल, लेकिन मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। एक काम कर बेटा, अपने पड़ोस में जो लेडी डॉक्टर रहती है ना उसे बुला ला, अपनी जान पहचान वाली है, तेरे बुलाने से घर आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद कौशल के पड़ोस में रहने वाली लेडी डॉक्टर कौशल के घर आती है। देखिए जी बहू को क्या हो गया, कमजोरी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। एक मिनट मुझे जरा चेक करने दीजिए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब, नव्या की तबीयत? ठीक नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप पापा बनने वाले हैं और आप दादी, आपकी बीवी नव्या पेट से हैं, माँ बनने वाली है, बधाई हो आपको। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर मैडम, क्या सच में नव्या माँ बनने वाली है? और नहीं तो क्या, क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगी? अब जल्दी से मेरे घर मिठाई भिजवा दीजिएगा, मैं जा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आपकी मिठाई का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर के जाने के बाद, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ माँ, मेरा और नव्या का बरसों का सपना पूरा होने वाला है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ठीक उसी वक्त मौसी जी कौशल के घर आती है। अरे मौसी, आप ना बहुत सही टाइम पर आई हैं, अब आप यहाँ रहकर खूब सारी मिठाई खाइए, जान दिया आप नव्या माँ बनने वाली है। मैं तो अच्छी तरह जानती थी बेटा, इसीलिए तो तुम्हें आश्रम भेजा था। मौसी, उस आश्रम में सच में कोई मैजिक है क्या? आश्रम में कोई मैजिक नहीं, वो आश्रम तो ऐसा ही है जैसे दूसरे आश्रम होते हैं, लेकिन तेरे और कौशल के बीच परेशानी क्या थी मालूम है? कौशल बहुत तनाव में आ गया था इस बात को लेकर कि वो बाप नहीं बन रहा, और ऐसा ही कुछ तेरे साथ भी हो रहा था। और जानती हो बहू, तनाव की वजह से भी कभी कभी बच्चा नहीं होता, इसलिए मैंने तुम दोनों को आश्रम भेजा।
पहले जब तुम दोनों तलाक लेने वाले थे तब भी मैंने तुम्हें इसीलिए रोक लिया था कि ये परिस्थिति कुछ समय की है, सब कुछ चला जाएगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मेरी सुन ली। अरे बेटा, बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए। थैंक यू मौसी जी, आपकी समझदारी की वजह से आज हमें एक सबक सीखने को मिला और साथ में हमारे आने वाले बच्चे की खुशखबरी भी मिली।